अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के कर्मों फजल से ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी मैं नमाज़ के लिए हो चुका हूँ लेट, तो मुझे अभी नमाज़ के लिए जाना है जल्दी से, क्योंकि बारिश हुई हुई है। तो बाहर जो ग्राउंड था वो तो अभी गीला है, तो इसलिए मस्जिद में नमाज़ होगी, तो मस्जिद में जगह भी कम हो जाएगी अगर मैं टाइम पर ना पहुँचा। तो चलते हैं, मिलते हैं नमाज के बाद। तो ये रही हमारी मस्जिद। Allahu Akbar.
मस्जिद से बाहर आ चुका हूँ मैं, चलते हैं अब गढ़ के लिए। फिर आप ही जाओ मैं ये मेरा फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है मेरा, ईद मुबारक। हाँ जी, बना रहे हैं। नमाज अदा कर लिया, इसके बाद हम कुर्बानी करेंगे जो जानवर हमने लिया हुआ या घर का है। ये भाई वसीम मेरे हमसाए हैं, तो वैसे तो ये बाहर होते हैं, तो इस ईद पर ये हमारे साथ हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर इकट्ठे ही, क्योंकि हमारे दोनों के घर साथ साथ ही हैं। तो बाकी का व्लॉग भी करते हैं शूट। तो गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ घर के छत पर। तो बारिश होने की वजह से मौसम अच्छा हो गया, ईद का जो मौसम था वो अच्छा हो गया हमारे लिए, ठंडा हो गया। तो अभी थोड़ी देर में हम करेंगे कुर्बानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, शुक्रिया। बारिश की वजह से हमारे गाँव का नज़ारा कुछ इस तरह का हो जाता है बारिश में, बारिश होने के बाद ये देखें। तो अभी मैं आया था अपनी छत पर, घर की छत पर, तो ये देखिए खूबसूरत है ना सब कुर्बानी की, क्योंकि तो हम खुद ही करेंगे। तो चले, ड्रेसिंग हो गया चेंज, ड्रेसिंग हो गई है अब गोश्त बनाने के लिए, कपड़े चेंज कर लिया मैंने। तो अभी हमने वो जो बच्चा था हम जो, तो हमने जो जानवर जबा करना था वो कर लिया, उसे काट कर घर ले आए हैं। तो अभी हम उसको छोटी छोटी हिस्सों में काट रहे हैं, बोटियां बना रहे हैं। शाबा माँ, शाबा, जल्दी कर, ध्यान ना कर, ध्यान। खड़े
फाइनली मैं अब फ्री हो चुका हूँ कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के बाद, उसकी बूटियाँ सब कुछ जो करते हैं करना होता है वो करके बांट कर अब फ्री हो चुका हूँ मैं। तो अभी बार्बर के पास भी जाना, क्योंकि कुर्बानी करने के बाद जो है कटिंग वगैरह की जाती करवाते हैं करवाई जाती है। घर से फ्री हो चुका हूँ, कुर्बानी कर ली हमने, तो आई होप सो आपने भी कर ली होगी। तो आज के इस व्लॉग में कर रहा हूँ यहाँ पर ख़त्म, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो आपको मैं जाते जाते इसका इंट्रो करवा दूँ। इसका नाम उसामा है और ये मेरे गांव का ही लड़का है, तो सऊदी अरब होता था घर में, तो 2-2.5 साल बाद आया। तो ये मेरा पार्टनर है पबजी में, तो हम पबजी इकट्ठे खेलते हैं, तो दैट्स व्हाई। तो अभी आप इंजॉय करें, हम भी करेंगे, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़।